हेलो गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और आज खाना नहीं खाया, मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया हमारे लिए, क्योंकि पेट थोड़े से ऐसे चल रहे थे अजीबोगरीब, तो मैंने सोचा मम्मी कुछ हल्का बनाओ, तो शायद मम्मी ने खिचड़ी बना दी है इसमें। और गाइज, मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है आपसे। वो क्या है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता, बिल्कुल ऑपोजिट। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना एकदम से रिएक्शन नहीं देना चाहिए, सोचो समझो बाद में। जैसे हमने अपनी ज़िंदगी को देखा, झेला और बाद में सारी चीज़ों को लेके आए अच्छे से, और इसीलिए विश्वास भी बनाया और एक ही जुबान पे डटे रहे। झूठ एक ऐसी चीज़ होती है ना, कभी कुछ भूल जाता है इंसान, लेकिन सच एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपने आज बोला वही 10 साल बाद बोलेगा। तो बात कुछ ऐसी हुई कि एक तो हम पहले बात कर लेते हैं वो जो कोलकाता मर्डर केस के बारे में। देखा एकदम से कैसे क्या बात है, मेरे को तो पहले डाउट था, वो इसलिए मैंने बोला भी था कि जो चीज़ दिखती है वैसा नहीं होता, उसको थोड़ा सा अगर मैं वहाँ पे बोल देता तो शायद आप लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते। एकदम से ट्विस्ट आ गया, न्यूज़ देखो आपको पता चल जाएगा। और जो मेरा मानना है, अपनी राय रखनी चाहिए, वो मैं चाहता हूँ कि उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। बट मर्डर के पीछे रीज़न क्या है, वो चीज़ मैंने बोली थी कि अगर रेप हुआ तो मर्डर तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कुछ और ही कहानी हो सकती है। जैसे कि अभी सुनने में आया कि ऑर्गन को सेल किया जा रहा, हो सकता है कि उसको पता चल गया होगा, तो उसकी वजह से बाद में वो स्टोरी को ऐसे बना दिया कि लोगों के सामने ये हुआ कि ये वाली सीन है ऐसा कुछ, और ऐसे कुछ निकल के भी आ रहा है। धीरे धीरे CBI इसके ऊपर काम कर रही है और आगे आगे सच्चाइयाँ और आएगी। और मैंने पहले बोल दिया कि जो रॉय था, क्या नाम था उसका, नाम पूरा है रॉय, वो बंदा ना सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, मे बी जे चढ़ा हो और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया हो। चलिए ये तो बात की, अब हम बात करना चाहते हैं कि धोखेबाज ने हमें फिर से धोखा दे दिया, ऐसा हमें लगा। ये देखिए, ये रहा धोखेबाज वाईफाई, और इसने फिर से धोखा दे दिया। कल से बीमार था, चल रहा था, हम सोच रहे थे कि ये शायद प्रॉब्लम थी, बाद में तह तक बढ़ा, बीच में पता चला कि ये क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो धोखेबाज है इसलिए धोखा दे रहा है क्योंकि उसकी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसको बंदर तंग कर रहे हैं, बंदरों ने तंग किया हुआ है जिसकी वजह से वो धोखा दे। वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसको बंदरों ने इतना तंग किया हुआ कि वो बार बार अपना साथ छोड़ रहा है मेरे से, और मेरे से क्या, हमारे से, इस घर से। इस घर में खुशियाँ लाता है, TV चलाता है, हमारा वाईफाई चलाता है, हमारे वीडियोज़ आप तक पहुँचाता है, कितना अच्छा लगता है, कितना चहल पहल और खुशियाँ लाता है। लेकिन क्या है कि मैंने अभी इसके माइक्रो वालों को फ़ोन किया, वैसे तो कल ही किया था, पहले कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, बाद में नहीं आए वो, फिर कंपनी का मेल आ गया, कह रहे कि कल को भेजेंगे। मैंने कहा चलो कल को भेज दो, कोई बात नहीं। तो आज उन्होंने भेजा, इसके माइके से आए थे और कह बताया ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, उसका जो कनेक्शन है ना वो हो गया, एक्चुअली बंदर थे, उन्होंने वायर वगैरह को ला दिया, तो अंदर से जो कनेक्टिविटी वो टूट चुकी है, और मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट नया आ रहा है घर में, तो अच्छा लगा। ये पुराने वाला चला जाएगा अपने माइके और ससुराल में नया आ रहा है, और फिर से खुशियाँ आएंगी, खुद से घर चहकेगा, TV चलेगा, रोन के आएंगी। और फिलहाल भैया कह रहे कि मैं आ जाऊँगा, 2:30 बजे का टाइम दिया, और अभी वो गए हुए हैं, क्या कहते हैं यार इसका ससुराल कौन सा, अंबानी परिवार, यस अंबानी परिवार है, माइका है अंबानी परिवार, ससुराल तो ये है आपका अंकुश। और फिलहाल अभी आएंगे, इसको सही करेंगे और फिर से चल पड़ेगा। एक्चुअली ना बंदरों ने कनेक्टिविटी को ख़राब कर रखा था, बंदर बहुत है यहाँ पे, तो अभी फिलहाल बारिश लगी हुई, मैं बाहर जा भी नहीं सकता, मेरे को बोला कि बंद कर दो, अभी हट गई यार, तो उसको ना चेंज करके अलग लोकेशन पर लगा देंगे और बढ़िया हो जाएगा। तो पहले मैं इसी को ब्लेम करता रहा, ये है, बाद में पता चला कि इसके पीछे भी रीज़न है, वो इसलिए अपना कनेक्शन तोड़ रहा था क्योंकि उसको भी तंग कर रहे थे बंदर, तो बंदर उसको लगातार तंग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन उसकी जगह उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ताकि वो भी खुशियों के साथ रहे अपने आप, और हमें भी खुशियाँ देता रहे। ये रिसीवर चेंज हुआ है, ये पूरा नया आएगा अभी हमारे पास, ये पुराना वाला चला जाएगा अपने माइके, ये वाला नहीं, ये तो रूटर है ना जो ऊपर छत पर लगा हुआ, और नया आ जाएगा, छत पे नया लग जाएगा। आज ये ड्रमियाँ भी मम्मी ने रखी हुई है धोके, क्योंकि मैंने सुबह कनक पिसवाने के लिए देके आया था, तो शाम तक आ जाएगा, तो इसको फिल कर देंगे। वार कितना अच्छा मौसम हो गया, ठंडी हवा भी चल रही है, अब पहले से ना वेदर बहुत चेंज हो चुका है, ठंडा हो चुका है, इतनी ह्यूमिडिटी है नहीं आजकल क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और सेकेंड ये था कि आजकल अंधेरा भी जल्दी हो रहा है। भूख लगी हुई है ज़बरदस्त, मम्मी जी खाना बना दो। और मम्मी जी क्या हाल चाल, बढ़िया, क्या चल रहा है? बस खिचड़ी बनाएंगे।
चलिए गाइस, ये रही हमारी खिचड़ी जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और अभी इसको हलाएंगे, फिर सब खाएंगे और पेट को रिलैक्स फील करवाएंगे। वाह 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 गाइस, मैं शेर पूछना तो है ना, ये हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी साइड पे डालूंगा मैं, ये बना घी बाद में ले लूंगा। बस गाइस खाना खाते हैं और मौज मनाते हैं। तो फाइनली गाइस खाना पुना खा के फ्री हुआ हूँ और मायके वाले आगे जियोगे। क्या बात है भाई, मैं के मायके वाले आगे जियोगे, ये है ना खराब होगी ना, ये धोखेबाज निकली थी। आपने टाइटल देखा था पिछला? हाँ जी। पहले भी आप ही आए थे भैया, है ना, और ये भैया का नाम है प्रभजोत सिंह, और सबसे बड़ी बात ये इनके हम फैन है प्रभजोत सिंह के, जट प्रभजोत उनके ये भी फैन है, और स्पेशली भैया फोटो दिखाओ, है ना, क्या बात है, मिलते गिलते रहते हैं भैया। पुराना नहीं कह रहे कि भैया फ्री आएगा, इसको निकाल देंगे नया लाएंगे, लेकिन बंदरों ने प्रोग्राम खराब किया और मैंने कहा उसको भेज देंगे, अब ये आगे ससुराल में नहीं है। अच्छा क्या बात है गाइस, मेरा भी एम है कभी मिलेंगे इनसे। अच्छा लगता है ना जब हम भी फैन होंगे। जियो फाइबर का एक फ़ायदा है कि आपको ना अनलिमिटेड सर्विस, और देखो मेरा वो ख़राब हो गया, कोई पैसा नहीं देना, वही मैंने 2100 रुपये दिया, अभी तो 2100 की कब लाना है, तो 3 महीने के लिए, उसके बाद आपका 700 रुपये पर मंथ चलेगा। और क्या कहते हैं कि खराब हुआ बंदरों ने खराब किया, लेकिन फ्री चलेगा, किसी तरह का कोई चक्कर नहीं, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, है ना, सर्विस भी फ्री है, और जो भी आपका इक्विपमेंट कोई भी खराब होता है वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम के लिए। क्या बात है, सिर्फ कंपनी आपसे रेंट पे करवाती है। हां, वो जो दे रहे हैं मंथली, जो आप मंथली रेंट दे रहे हो वो कंपनी दे रही है, जैसे आप किसी का घर ले रहे हो रेंट पे, कंपनी बस यही कर रही है कि आपको रेंट पे ये चीज दे रही है, और काम चल रहा है। बढ़िया बढ़िया सर्विस है जी। ओके, एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए, कहां है यहां का, ये है ड्रिल होगा ना। हेलो गाइस, ये चले जाएगी अब अपने मायके, रिसीवर बोलते हैं ना इसको, मतलब कि मेरे ससुराल, और अपने नए ससुराल नए आ गए। अच्छा यहाँ पे कर रहे हो ना अब फिट? ना करते थे, पहले देख लो सिग्नल आ जाए ना, तब भी फायदा है। अच्छा अच्छा, बंदर ना पहुँच पाए, गाइस वो हला देते हैं ना बंदर ऊपर से। दिल्ली सही हो गया ये, अच्छा लगा। ये सेट बॉक्स खराब हो, वो भी नया सब कुछ है ना, क्या मतलब मम्मी, जिनमें मर्जी खराब हो सारी चीजें नवियां, जवाई है मैं जियो आने का, है ना, तो सारी चीजें फ्री ने जवाई है बनाया इन्होंने मेनू, है जवाई दे, मतलब और कितना देंगे जवाई, मतलब कि इतने की सारी चीजें फ्री दे रहे, जितनी भी मर्जी चेंज करवाओ, है ना, पुराना लेना नवे चढ़ देना, जवाई फ्री दे दे, और के जवाइयों की सेवा कर रहे हैं ऐसे, मतलब इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। चले गए, फिलहाल हमने भी खाना पुना खा लिया और मम्मी दूसरे रूम में सो गए और मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ मूवी, क्योंकि हमारा वाईफाई चल पड़ा है, बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको बता दिया किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना, आपका अंकुश हंसी मजाक वाला है, ये खुश रहता है, खुश रखता है अपनी बातों के द्वारा और अपने आप को सही रखता है, और कुछ नहीं, बस ये था। बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में ना बहुत सी चीज़ें चलती है, जैसे आजकल नई नई बातें मिलती है देखने के लिए, चाहे वो किसी तरह का क्राइम है, चाहे किसी तरह का, हमेशा कभी भी कोई बात आती है ना, एकदम से हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बातों को समझो, क्योंकि एक पक्ष की बात को सुन के आप डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हमें खड़े रहना चाहिए, चाहे कोलकाता मर्डर रेप केस हो, चाहे कुछ भी हो। और दूसरी बात ये है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले ना हम बोलते होते थे कुछ कि ऐसा नहीं ऐसा है, और हम अपनी जगह पे खड़े हैं, पहले भी और अब भी, पहले भी जैसे थे अब भी जैसे हैं, पहले कमज़ोर थे क्योंकि टूट चुके थे, लेकिन अब बहुत मजबूत हो चुके हैं, अब चाह के भी टूटना नहीं चाहते। मेरी इतनी सी बातों में बहुत सी बातें कवर हो जाती है, क्योंकि अपने आप को बड़ी मुश्किल से मजबूत बनाया, आधी रात को उठता था, पंखे देखता था, रोता था, आज खुश रहता हूँ रखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे दिल के अंदर दर्द नहीं है, है, लेकिन अब बस ये चाहता हूँ भगवान सही रास्ते पे लेके जा, अब तेरे हाथ में है, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या सही क्या अच्छा, मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा, अब तेरे हाथ में है, मैं इंसान हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, कर भी रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले ने पता नहीं क्या सोच रखा है क्या नहीं, कि जो करेंगे आप करोगे बढ़िया करोगे, सबके लिए बढ़िया,
और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब हम बोलते होते तो सबको बुरे लगते थे, आज हमारे हेटर्स के मुंह से हम सुनते हैं जो शब्द हमारे थे ना, आज वो भी उन बातों पे बिलीव करने लग पड़े, उनके शब्द बन गए इनका। इसका मतलब कि हम और हमारे सपोर्टर अपने ट्रैक पे अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, और हमारी बोली बोली जा रही है अलग अलग चैनल्स पे। चलिए, समय समय की बात है, बस बस ये है भगवान कि इस मुश्किल घड़ी में हमें किसी और को, हेटर्स को, जो भी क्राइम हो रहे हैं वहाँ पे, या कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है, सबको मजबूत बनाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी दुख दर्द लिखे हैं, दुख दर्द सुख, वो सब ऊपर वाले के हाथ में, सही टाइम पे सही चप्पल अपने पाँव में पड़ जाएगी। बहुत कुछ होते हुए भी आपसे छीन लिया जाता है, बहुत कुछ ना होते हुए भी आपको भरपूर कर दिया जाता है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मैंने अपनी लाइफ में पहले भी बताया बहुत से मिरेकल देखे हैं, क्या पता ज़िंदगी में और क्या नया मिरेकल है, पर इतना मेरे को पता है कि जो पुरानी लाइफ है उससे निकल के मैं जाऊँगा आगे बहुत बड़ी लाइफ में, और फ्यूचर बढ़िया ही होगा। बोलने के तरीका या वीडियो होते, ब्लॉग होते, या क्लिकबेट तो नहीं होती क्योंकि इसमें स्टोरी होती है, हाँ एक वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होता है ताकि आपको सुनने में मजा आए, और बस ये हंसी मजाक के साथ हम निकल जाएंगे, आपको एंटरटेन करते हैं, होप आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और हमारे क्या कहते हैं जो दूसरी बहू रानी है जियो वाली, वो आ चुकी है, हमारा टीवी भी चल रहा है, हमने मूवी लगाई हुई है, फ़ोन वगैरह चल पड़े। बस एक मेरे को और करना था, इससे ना आप कॉल्स भी कर सकते हो, टीवी के कॉल भी, टीवी के साथ कॉल भी कर सकते, कैमरा चाहिए और फ़ोन में भी इंस्टॉल हो जाते 5 फ़ोन में, तो हमारा लैंडलाइन नंबर भी चल पड़ेगा। तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को ये प्लान, और अच्छा है, बट प्रॉब्लम आ रही है बंदरों की वजह से, जिसकी वजह से वो डिसकनेक्शन हो जाता है, बट उसको अभी मैंने जो रूटर था उसको चेंज करवाया, और बाकी जिस हिसाब से सर्विस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को सारी चीज़ें मिल रही है। इतना BSNL में नहीं था क्योंकि उन्होंने मेरे को अच्छे से अपना जवाई नहीं माना था, चार्ज करते थे, तंग करते थे, और तार अभी भी बिछाई हुई है लेकिन उन्होंने बाकी का सामान मेरा ले लिया, रूटर ले लिया मेरे से, और क्या लिया, रूटर लिया और चार्जर था, और जो भी था सामान वापस कर दिया, लेकिन तार बिछाई हुई है अभी तक, तार करे आप रखो, वो तो चलो लेन तो पड़ेगी ना, पे किया हुआ था मैंने, बट वाईफाई जो जियो का है इसकी बहुत बढ़िया सर्विस है, सब कुछ इसको। मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है कि अंकुश जवाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं फिर, है ना, जिस हिसाब से सर्विस है। चलिए बढ़िया है, नो डाउट, ये हंसी मजाक करने की बातें हैं और कुछ नहीं, दिल दिमाग में मत लेना, और जियो वालों स्पेशली ये आप तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी मम्मी ने बोला कि यार कितने बड़े बड़े ख्वाब ले रहे हैं, मेरे को कुछ पता नहीं होता इंसान की ज़िंदगी कब चमक जाए, कब पत्थर हीरा बन जाए, है ना। फिलहाल गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। आज ब्लॉग में कुछ नहीं था, बातें थी, बातों का कड़ा बना के आपको पसंद किया, कैसा लगा बताना जरूर, बाय बाय।